ये सवाल जो है, क्या मुख्यमंत्री जी का पीठ थपथपाया जाए और विशेष राज्य का दर्जा मांग कौन रहा है? वो तो पार्टनर है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मतलब बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मांग, या अमेरिका के राष्ट्रपति से या रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मांग रहे विशेष राज्य का दर्जा, देगा कौन? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और इस दरमियान हर दिन बहसबाजियां हो ही रही है। आज फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खड़े हुए हैं और उन्होंने नीतीश सरकार को जमकर सुनाया है, लेकिन इसी बीच में अचानक वो नीतीश कुमार की पीठ थपथपाने की बातें करने लगे। आखिरकार तेजस्वी यादव ऐसा क्यों कह रहे थे कि क्या हम मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाएं? जरा सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। बजट का आकलन या बजट का जो प्रारूप है हमेशा जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप देखिएगा महोदय कि लगातार सरकार पीठ, एक मिनट, सरकार पीठ बार बार थपथपाती है कि हमने जो है बजट देखो पहले क्या था, अब हमने देखो 2,37,000 करोड़ का कर दिया, लेकिन 15 साल से भी ज्यादा वही मुख्यमंत्री, केंद्र में भी सरकार, लेकिन क्या स्थिति है? आपने तो मुख्यमंत्री जी का बयान देखा ही होगा महोदय, उन्होंने कहा कि अब तो नीति आयोग नहीं गरीब बता दिया, सबसे पिछड़ा बता दिया, तो हमको स्पेशल राज का दर्जा दे दो। तो इसके लिए क्या पीठ थपथपाना चाहिए मुख्यमंत्री जी का? ये सवाल जो है, क्या मुख्यमंत्री जी का पीठ थपथपाया जाए और विशेष राज का दर्जा मांग कौन रहा है? वो तो पार्टनर है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, अपने ही पार्टनर से, मतलब बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मांग, या अमेरिका के राष्ट्रपति से या रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मांग रहे विशेष राज्य का दर्जा, देगा कौन? लेकिन जब हमने पिछले परसों ही महोदय अपने अभिभाषण में हमने कहा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज है, सबके अलग अलग मतलब है इस क्षेत्र में, उसमें हमने ये भी बताया कि भाई उप मुख्यमंत्री कहते कि कोई जरूरत नहीं है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की, अब मुख्यमंत्री कहते हैं बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। मतलब ये है लोग, चर्चा देखिए 52% लोग गरीब है बिहार में, और बजट हमेशा बढ़ता जा रहा है, इतना लाख करोड़ और गरीबी सबसे ज्यादा, तो ये तो आप खुद मान रहे हैं, ये तो सरकार खुद मान रही है कि बिहार जो है सबसे गरीब है, और गरीब होने का श्रेय किसको दिया जाए फिर, जिन्होंने 15 साल से भी ज्यादा 17 साल तक राज किए और डबल इंजन की सरकार को ही ना बोलिएगा। तो आपने तेजस्वी यादव को सुना, बात फिर से हो रही थी जाति आधारित जनगणना करवाने को लेकर और मुद्दा गरीबी पर जाकर अटक गया। बजट की बातें हुई कि हर साल बिहार का बजट तो बढ़ता है लेकिन साथ में गरीबी और ज्यादा ही बढ़ती जाती है। फिर मुद्दा आया जाति आधारित जनगणना करवाने की, तो उन्होंने सीएम को जमकर सुनाया और ये कहा कि अपने ही पार्टनर से बार बार जब चीजें मांगनी पड़ रही है तो काहे की डबल इंजन सरकार। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि क्या इस को लेकर हम नीतीश कुमार की पीठ थपथपाएं कि उन्होंने ये सारी बातें कह दी, कि नीति आयोग ने भी कह दिया है कि बिहार गरीब राज्य है तो इसे कृपया करके विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए और जाति आधारित जनगणना करवा दीजिए। देखना होगा कि आगे इस मसले पर और क्या कुछ होता है। तेजस्वी यादव ने काफी बड़ा बयान दे दिया है, हंगामा हर रोज विधानसभा के भीतर होता आया है लेकिन आज एक बार फिर से माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।